नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के दो दिन के कार्यक्रम के पहला दिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वर्तमान स्थिति पर बोलत कहले कि शिवसेना हमनी के स्वाभाविक गठबंधन है, जबकि अजीत पवार हमनी के राजनीतिक साथी हवे। फडणवीस कहले कि एकनाथ शिंदे के हमनी के संगे महाराष्ट्र पहुंचला से पार्टी के ताकत बढ़ गईल बा। एही तरह अजीत पवार के साथे जुड़ला से हमनी के ताकत बढ़ल बा। पीएम मोदी जी के वजह से हमनी के राजनीतिक केमिस्ट्री मजबूत बा। अवुरी अजीत के आगमन के संगे राजनीतिक अंक गणित भी सही हो गईल बा। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल का बीच पंचायत आज तक के मंच बनावल गिल बा। विधानसभा चुनाव से पहले आज तक रूरा नेता लोग के एक मंच पर इकट्ठा कर रहल बा। एह खास आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समीकरण आ संभावना पर चर्चा हो रहल बा। मुद्दा पर चर्चा हुई, अवुरी राजनीतिक समीकरण पर चर्चा हुई। एह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री या वरिष्ठ नेता लोग भाग ली हैं। आज रायपुर के होटल सयाजी में पंचायत आज तक छत्तीसगढ़ के आयोजन हो रहल बा। सवेरे 11:45 पर स्वागत संबोधन दिहल गई। पहला सत्र दोपहरिया 12 बजे से शुरू भिल। एहमे अब की बेर भाजपा सरकार विषय पर पूर्व सीएम आ भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह भाग लिहले। छत्तीसगढ़ सत्र में भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक आ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा भाग लिहले। बाइक के टक्कर अवुरी दुर्व्यवहार के चलते दो समूह के बीच भईल झड़प के बाद एगो युवक के पीट पीट के हत्या के मामला में बुधवार के जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन कईल गईल। एह दौरान कई गो नेता मौजूद रहले। प्रदर्शनकारी के आरोप बा कि एह मामला में गहलोत सरकार एक तरफा कार्रवाई किलसी। जयपुर के बड़ी चौपाड़ में सर्व समाज का विरोध जारी। बड़ संख्या में सब धर्म के लोग जुट गई। एह मौका पर जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, अवुरी मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ उहां मौजूद रहले। दिया कुमारी कहली कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक खाती तुष्टिकरण के राजनीति करतिया। कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल के टक्कर के बाद दो समुदाय के युवा के बीच झगड़ा भयल रहे। सुभाष चौक इलाका में भयले घटना के दौरान झगड़ा में इकबाल के मौत हो गई। तब से ई मामला चलत रहल। पुलिस दोनों समुदाय से शांति के गुहार लगावत बिया। सुभाष चौक इलाका में इकबाल के हत्या के मामला में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठन बड़ी चौपार में जुट गईले। बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत औरी हिंदू संगठन पहुंचल और बड़ी चौपाड़ में मौजूद बा। मौका पर भारी पुलिस टुकड़ी भी तैनात बा। एकरा अलावे पुलिस सादा कपड़ा में असामाजिक तत्व पर नजर रखले बाड़े। सिक्किम में बादल फटला से पैदा भील बाढ़ से भारी तबाही मच गिल बा। बतावल जाता कि उत्तर सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटला के चलते तीस्ता नदी में पानी भर गई। एकरा बाद नदी के पानी के स्तर और ही बढ़ गई, जब कवनो बांध से पानी छोड़ल गई। एकरा बाद बहुत इलाका में पानी भर गई, कई गो पुल बह गिल और सड़क बह गिल। एकरा चलते कई गो सैन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित हो गई। संगही सेना के 23 जवान के लापता होखे के खबर बा। एह जवानन के खोज में तलाशी अभियान शुरू हो गिल बा। बतावल जाता कि बाढ़ के बाद चुंगठांग बांध से पानी छोड़ला के चलते नीचे के इलाका में पानी के स्तर अचानक बढ़ के 15-20 फीट तक पहुंच गई। एकरा चलते सिंगतम के नजदीक बरदांग में खड़ा सेना के गाड़ी डूब गई। एकरा अलावे सेना के 23 जवान के भी लापता होखे के खबर बा। सिक्किम के कई इलाका में ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी किल गिल बा। सिक्किम के तीस्ता नदी के पानी के स्तर बढ़ला के चलते हाई अलर्ट जारी कईल गईल बा। सिक्किम के सिंगठम फुटब्रिज भी तीस्ता नदी में बाढ़ के चलते गिर गई। जलपाईगुड़ी प्रशासन तीस्ता नदी के निचला इलाका के खाली करावे के काम शुरू कर दिहले बा। सभी के सतर्क रहे के सलाह दिहल गईल बा। अवुरी नदी के किनारे यात्रा से बचे के सलाह दिहल गईल बा। बंगाल से सिक्किम से जोड़े वाला NH-10 के कुछ हिस्सा पूरा तरह से बह गई। गगनयान के अंतरिक्ष यात्री के पहला वीडियो सामने आयल बा। अहमे एह टेस्ट पायलटन के जिम में व्यायाम करत देखावल जा रहल बा। वीडियो में ऊपर भारतीय वायुसेना और इसरो के लोगो लगावल गिल बा। एकर श्रेय भी इसरो के दिहल गिल बा। देखावल जा रहल बा कि RLV-TD के चिनूक हेलीकॉप्टर से आसमान से गिरावल जाला, ऊ सुरक्षित उतर जाला। एकरा बाद एह पायलटन के गोली आवेला। जवना में ई लोग जिम में व्यायाम करत देखाई देता रे।
सोशल मीडिया पर ई वीडियो वायरल हो रहल बा। दरअसल चंद्रयान 3 आदित्य एलन के सफलता के बाद इसरो से पहले गगनयान सबसे बड़ मिशन बा। एहमे से कवनो पायलट अगला साल कवनो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के यात्रा पर भी जा सकेला। एकर संभावित परीक्षण उड़ान 26 अक्टूबर के हो सकेला। हालांकि इसरो अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग डेट के घोषणा नहीं खे कैले। गगनयान खातिर कई तरह के तैयारी चल रहल बा। एह मिशन में सबसे जरूरी बा कि LVM 3 रॉकेट के गगनयान क्रू मॉड्यूल के ले जाए में सक्षम बनावल जाओ। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गई। हमनी के ई कंटेंट किसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल है फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।